कुछ विद्वान सदस्यों ने, जिसमें भूदेव बाबू हैं, कहा कि बिहार का अपना बिजली, अपना बिजली क्या होता है, मेरी समझ से परे की बात। आज 3,00,000–3,50,000 करोड़ बकाया है एनटीपीसी का अन्य राज्यों पर। एक महिला आई महोदय, उसने कहा कि 2 बल्ब मेरा जलता है और 2,000 का बिल आया। 7 बजे मैं चला गया उनके यहाँ। बिहार में नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूशनल सुविधा है, लेकिन संविधान से क्या मतलब? इन लोगों को क्या मतलब संविधान से? पलटी मार कहते हैं। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग अध्यक्ष महोदय, 18 विद्वान सदस्यों ने अपनी भावनाओं को इस सदन में अपने बुद्धि और कौशल के अनुसार, अपनी जानकारी और अपने तजुर्बे के अनुसार रखने का काम किया। मैं उसके प्रति आभार प्रकट करता हूं। महोदय, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजों की का जिक्र भी हुआ, उस पर मैं कुछ बाद में बोलूंगा। मुझे सदन में यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के बिजली उपभोक्ता एवं आप सभी के सहयोग से वितरण कंपनियों ने वर्ष 22-23 में पहली बार 215 करोड़ का लाभ अर्जित किया। कभी कभी 58 साल के बाद पहली बार कंपनी प्रॉफिट में गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22-23 में बिहार की वितरण कंपनियां देश की 5 लाभ अर्जित करने वाली वितरण कंपनियों में शामिल हो गई। देश की केवल 5 राज्य, 5 कंपनियां ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस रफ्तार से सरकार बिजली के क्षेत्र में काम कर रही है, उससे वर्तमान वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में भी वितरण कंपनियां लाभ में रहेगी। एटीएनसी लॉस की भरपाई हो वितरण कंपनियां राज्य सरकार से अलग से राशि की मांग करती थी रही है, किंतु इस वर्ष वितरण कंपनियों द्वारा सरकार से एलटीएन लॉस के मद में प्रावधानित 1740 करोड़ राशि की मांग नहीं की गई है, जो राज्य के खजाने में बचेंगे और विकास योजनाओं पर ये पैसे खर्च होंगे। मैं पिछले वर्ष भी बताया था कि बिहार में विगत एक दशक में रात्रिकालीन नाइट टाइम लाइट एनटीएल में 474% की वृद्धि हुई है, जिसे इसरो ने प्रकाशित किया था। कोई अलग से नहीं, इसरो के द्वारा आकाश से जो फोटो छपा था उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। महोदय, वर्ष 23 के लिए वितरण कंपनियों की कंज्यूमर सर्विस रेटिंग प्रकाशित की गई है, जिसमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ग्रेड डी से बढ़कर बी तथा नॉर्थ बिहार पावर का ग्रेडिंग सी से बढ़कर बी हो गया है। राज्य की संचरण कंपनियां को पिछले 3-4 वर्षों से ए श्रेणी की अव्वल रेटिंग प्राप्त हो रही है। राज्य में शहरी क्षेत्र में औसतन 23-24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 22-23 घंटे की विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। जी महोदय, सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। सरकार का निश्चय है कि हर खेत तक सिंचाई पानी पहुंचे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 18 अक्टूबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया, जो 23 से लेकर 28 तक चलाया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने राज्य के इच्छुक किसानों को आगामी 3 वर्ष में निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के लिए योजना बनाई है। राज्य सरकार ने 9 नवंबर 2023 को ही 2,190,75,00,000 रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना स्वीकृत कर ली है, जिसमें 4,80,000 किसानों को निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध दिया जाएगा। कृषि विभाग के साथ साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा विभाग द्वारा पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर किसानों से आवेदन लेने हेतु शिविर लगाए जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने क्षेत्र में किसानों को आप उत्साहित करें कि वो आवेदन दें। पिछली योजना 3,75,000 किसानों को निःशुल्क विद्युत संबंधन दिया गया था। सरकार किसी फीडरों के माध्यम से कम 8 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर रही है।
किसानों की आवश्यकता के देखते हुए 16 घंटे तक भी विद्युत आपूर्ति की गई है। कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की भी योजना बनाई गई है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और किसानों की दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी। महोदय, आप सभी जानते हैं कि राज्य में बिजली की क्रय की लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार महंगे दर पर बिजली खरीदने के बावजूद राज्य के ग्रामीण उपभोक्ताओं को किफायती दर पर बिजली दे रही है। किसानों के लिए अतिरिक्त निधि देते हुए 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से विपत्र दिया जाता है। इसका सीधा लाभ किसान और गरीब उपभोक्ताओं को मिल रहा है। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत उपभोक्ता अनुदान के रूप में राज्य सरकार बहुत बड़ी राशि का भार उठा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर बिजली मिले। 21-22 में यह राशि 6,500 करोड़ रुपए थी, जो 22-23 में बढ़कर 7,801 करोड़। सस्ती बिजली की जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 8,100 करोड़ रुपया। 23-24 में 13,114 करोड़ रुपए की गई है। महंगी दर पर बिजली खरीद के इतना सब्सिडी, और जो उपभोक्ताओं को दिया जाता है उसमें लिखा हुआ होता है कि सरकार की सब्सिडी कितना है। महोदय, एक नई योजना जो माननीय कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कहीं तार टूटा हुआ है, कहीं कोई घाटे हो रही है, वितरण कंपनियों के परिचालन क्षमता एवं वित्तीय स्थिरता में सुधार के हेतु केंद्र सरकार द्वारा पुनरुत्थान जो वितरण योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत लॉस रिडक्शन मॉडर्नाइजेशन कार्य 15,400 करोड़ रुपए की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। वर्तमान में लॉस घट करके 7,305.0 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में मुख्य रूप से कृषि कार्य डेडिकेटेड फीडर का निर्माण, लंबे फीडरों का विभाजन, LT लाइन से खुले तारों का एरियल बंच केबुल बदला जाना योजना को पूरे राज्य में युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया गया है। महोदय, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पर्यावरण के संतुलन हेतु राज्य सरकार ने, महोदय माननीय मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली योजना जो किया, उसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण से बचाया जाए। उसको नजर रखते हुए 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान प्रारंभ किया था। इस अभियान के तहत सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा की बचत करने का लक्ष्य रखा गया। इस पर कार्य करते हुए अब तक 3,416 सरकारी भवनों पर लगाया 33 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा चुका है। आप जानते हैं कि हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सभी सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम लगाने की बात कही है। बिहार में यह आगामी 2 वर्ष में 9,000 सरकारी भवन पर 65 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगा दिया जाएगा, और दूसरे चरण में प्राथमिक विद्यालय से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। महोदय, ये बिहार की योजना, भारत सरकार ने भी इसको एडॉप्ट किया। ऊर्जा विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, अन्य विभागों के संपर्क करके राज्य के 4 क्षेत्रों में जलाशयों में, नहरों में, नदियों के किनारे सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। लखीसराय जिले के कजरा में 1,810 करोड़ की लागत से 185 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता, 253.85 मेगावाट बैटरी में सौर ऊर्जा का भंडारण, जो देश में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण क्षमता है, की परियोजना का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसकी निविदा निर्गत की जा चुकी है। बड़े पैमाने पर हो रहे कार्यों को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने उद्योग विभाग से भी समन्वय किया, ताकि राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिले। राज्य में पहली बार बिजली के विभिन्न उपकरणों की निर्यात कंपनियों के साथ ऊर्जा निवेश के नाम पर राउंड टेबल मीटिंग दिनांक 5 फरवरी 2024 को की गई, जिसमें मीटर निर्माता, ट्रांसफार्मर, विभिन्न प्रकार के पैनल या कंडक्टर बनाने वाली लगभग 78 कंपनियों ने भाग लिया। ये बिहार के इतिहास में पहली घटना है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा में सौर पैनल, बैटरी तथा इन्वर्टर बनाने वाली निर्माता कंपनियों का पहला सोलर शो दिनांक 10 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया, और जिसमें सौर ऊर्जा की विभिन्न सामग्रियों के निर्माण से जुड़े लगभग 23 कंपनियों ने भाग लिया।
वितरण कंपनियों की कार्यशैली में सुधार, बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल त्रुटिपूर्ण होने एवं कहीं कहीं कई महीनों तक बिजली बिल नहीं बनाने की समस्या थी, मिलने की समस्या थी। राज्य के सभी शहरों ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना देश में पहली बार बिहार में लागू की गई, जिससे उपभोक्ता को सही बिजली मिल पाए। महोदय, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो शिकायत मिलती थी कि हमारा बिल ज्यादा हो गया, मुख्यमंत्री जी की ये कल्पना 2 साल पहले ही हुई कि नहीं सभी जगह स्मार्ट मीटर लगाया जाए। और बिहार देश का पहला राज्य है जहां 28 लाख अभी तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। राज्य इस क्षेत्र में अभी देश में प्रथम स्थान पर है। बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण बिलिंग इफिशियंसी वर्ष 19-20 में 75.41% थी, वह वर्ष 22-23 में बढ़कर के 81.08% हो गई। इसी प्रकार एटीएनसी लॉस उक्त अवधि में 35% से घटकर 24% हो गया। देश एवं राज्य में विद्युत की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एक ओर जहां हम सौर ऊर्जा से काम कर रहे हैं, वहीं दूसरे ओर भागलपुर जिले की पीरपैंती में इस पर सौर ऊर्जा लगाने का निर्णय लिया गया था, वहां अब एक कोयला भंडार नजदीक होने के कारण 800 मेगावाट की 3 यूनिट विद्युत केंद्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए कोयला मंत्रालय के साथ बातचीत जारी है। वितरण कंपनियों को द्वारा लगातार मुनाफे की ओर बढ़ने के कारण मैंने वितरण कंपनियों से कहा है, इसको सुनिए गौर से, राज्य सरकार के संसाधनों पर निर्भरता को कम करे, साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने वितरण कंपनियों को एक योजना बनाने के लिए कहा है। ऐसे उपभोक्ता जो 2000 रुपए से अधिक का रिचार्ज कराते हैं और कम से कम 3 माह की खपत के बराबर रिचार्ज एकमुश्त कराते हैं, उन्हें 5.15% दर से ब्याज दिया जाएगा जो जमा करेंगे। उपभोक्ता 3 माह से लेकर 6 माह की अवधि में एकमुश्त रिचार्ज करते हैं, उन्हें उस राशि में 5.40% की दर से ब्याज दिया जाएगा। 6 माह से अधिक की अवधि का एकमुश्त रिचार्ज करने पर उपभोक्ताओं को 5.765% की ओर से ब्याज दिया जाएगा। इस प्रकार स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगाने वाले हमारे उपभोक्ताओं को बैंक द्वारा दिए जाने वाले 2.70% से कहीं अधिक का ब्याज होगा। बहुत है मैंने जो एडवांस देंगे 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का, उसको छूट के लिए एक हम लोग ला रहे हैं, नियम कानून ला रहे हैं। अब महोदय, कुछ विद्वान सदस्यों ने, जिसमें भूदेव बाबू हैं, कहा कि बिहार का अपना बिजली, अपना बिजली क्या होता है, मेरी समझ से परे की बात है। नबी नगर या हो कहीं भी हो, न हमारे पास कोयला है भारत सरकार के पास, रेल भारत सरकार के पास, एक्सपोर्ट उनके पास, 80% बिजली हमारी पर एग्रीमेंट करके नवीन नगर और जितने हमारे पावर प्लांट हो भारत सरकार को दे दिए, और आज हमारी स्थिति अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आज 3.5 लाख करोड़ बकाया है एनटीपीसी का अन्य राज्यों पर, बिहार ऐसे राज्यों में नहीं है। ये हमारा लाभ हुआ है स्मार्ट मीटर लगाने से। लेकिन महोदय, बिजली बिल गलत के सुधार के लिए मैंने 11,000 करोड़ की योजना का, अब महोदय एक जिक्र मैं करना चाहूंगा, एक बैठिए, एक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक महिला बूढ़ी आई, महोदय है ये सुनने को तैयार नहीं है कि 14,000 करोड़ रुपया, इसलिए महोदय एक महिला आई,
एक महिला आई महोदय, उसने कहा कि दो बल्ब मेरा जलता है और 2000 का बिल आया। 7 बजे मैं चला गया उनके यहाँ, वो जो हमको देखी तो भाग खड़ी हुई, और उसके यहाँ जब देखा हमने तो आई भी लौट के नहीं। बिजली का दुरुपयोग भी रोकने के लिए हम लोगों को इंतजाम करना चाहिए। दिन में भी लाइन जलता रहता है। आप लोगों को निकल के जाना है। आप पहले से जानते नहीं थे? आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे, एक एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं, तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी हैं और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। अरे इनका बात सुन लीजिए, बैठिए। काल अभिनंदन के बात कर रहे हैं, आप एक मिनट सुन लीजिए, आप एक मिनट सुन लीजिए, जरा अन्य राज्यों का महोदय बगल के राज्यों का बिल भी ये लोग देखे, और बिहार के कंज्यूमर को बिल भी देखे। अगर अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा होगा तो हम निश्चित रूप से सस्ता करेंगे, और नहीं तो अनावश्यक कुछ बोलते रहना है, अनाप शनाप बोलते रहना है। जैसा मैंने कहा महोदय, 3 लाख करोड़ ड्यूज है, ये फ्री बिजली कब तक चलेगी, कहां से आएगा पैसा? पैसा कोई घास में फलता नहीं है, पैसा तो कहीं ना कहीं से पब्लिक के पास जाएगा। इसीलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि फ्री बिजली के हम खिलाफ है, किसी चीज में फिर सस्ती बिजली। उन्होंने कहा भी, घोषणा भी किया था कि गरीब गुरबा गांव गरीब सभी को मुफ्त फ्री बिजली नहीं, लेकिन उसके बिल में लिखा हुआ रहेगा कितना। मैंने जैसा कहा लगभग 14,000 करोड़ से अधिक, जी 14,000 करोड़ से अधिक हम लोग देते हैं उसमें सब्सिडी। अब इससे बेसी क्या सुविधा चाहिए? और ग्रामीण क्षेत्र में साधारण कंज्यूमर का और ज्यादा है, शहर में उससे सस्ती बिजली मिलती है। इसलिए महोदय, अब स्वाभाविक है, पार्टी है, अपने अपनी विचारधारा है। आज से 10-15 दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी, जो 4 लाख नौकरी मिली तो उसका श्रेय ले रहे हैं, और बिजली में प्रॉफिट में कंपनी गई तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को नहीं है, उसका श्रेय उनको है। संविधान में व्यवस्था है महोदय, टू एड एंड एडवाइज देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में कोई कोरम नहीं होता है, कोई वोटिंग नहीं होता है। इसलिए आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है तो बिहार में नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूशनल सुविधा है, लेकिन संविधान से क्या मतलब? इन लोगों को क्या मतलब संविधान से? पलटी मार कहते हैं, जरा बताइए, 97 में आए थे, 95 में आए थे, कांग्रेस के खिलाफ ना आए थे? 97 में जब आरजेडी बनी, किसके समर्थन से सरकार बना था? कांग्रेस, जो कांग्रेस इनके बाप को जेल में बंद किया, हम लोगों को भी जेल में बंद किया, उसके साथी कैसे चले गए? वैशाली में कहा था कि मेरी लाश, मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं हूं, मेरे लाश पर बिहार का बंटवारा होगा। आज जब कांग्रेस ने समर्थन दिया तो कैसे कैसे राबड़ी जी की सरकार को बचाने के लिए झारखंड के मामले में सहमति हो गई? तो बोलते कुछ है, आचरण कुछ है। आज राजनीति की विरासत यह है महोदय, बोली में और कर्म में महान अंतर वाले जो लोग हैं वही अपने को क्रांतिकारी मानते हैं। जो काम करता है
जो काम करता है परिणाम देता है उसकी चर्चा लोग नहीं करते। हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है, हर भैंस को खौर खाया बकरी खाया चार। तो जो काम नहीं करे वो पूरा पूरा वातावरण परिवार, अब नीतीश जी के कृपा से ही दो बार जो उप मुख्यमंत्री बना आज बड़का भारी नेता क्रांतिकारी हो गया। नौवां पास भी नहीं है, नौवां पास का कोई परीक्षा तो होता नहीं, लेकिन इनके कृपा से दो बार उप मुख्यमंत्री बने, बाप की कृपा से नहीं, पिताजी की कृपा से नहीं, पिताजी की कृपा से जरूर पत्नी बनी, माँ बनी उनको, लेकिन यहाँ क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं। तो अद्भुत चीज है, वचन कर्म में महान अंतर। आज देश की राजनीति की विरासत के लिए खतरनाक स्थिति है महोदय। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आचरणहीन नहीं चल सकता है। और महोदय बिहार का मैं फिर निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार गंगी जमुनी सभ्यता में सबसे अधिक आबादी का घनत्व है, हिमालय की बेसिन में होने से सात नदियां पेनेलिया रिवर है जो बारहमासा नदी कहलाती है, बर्फ जब पिघलता है गर्मी में अन्य नदियां सूख जाती है, बिहार की नदियां बर्फ के पिघलने से भर जाती है, हल्की वर्षा होने पर ही बाढ़ आ जाती है, और सबसे अधिक गंगी जमुना सभ्यता होने के कारण स्वच्छ पानी की आसानी से उपलब्धता और हवा उपलब्ध होना, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आबादी गंगी जमुनी इलाके में बसी। इसलिए मैं फिर सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार को विशेष दर्जा देने की कृपा करें या विशेष पैकेज की कृपा करें ताकि बिहार का समन्वित विकास और आगे हो। और ज्यादा अब कितनी गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर उठे हैं, बिहार रिकॉर्ड है महोदय सबसे ज्यादा, तो काम नहीं हुआ तो कहां से। और महोदय एक बात मैं और निवेदन पूर्वक कहना चाहूं, गरीब लोग बिजली बिल पूरे समय पर निर्धारित समय पर पेमेंट करते हैं, वीआईपी लोग ही गड़बड़ करते हैं। अगर आप एरिया का देखें, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में घाटे में बिजली नहीं है, वीआईपी इलाके में ही कड़ाई करनी पड़ी है। अब यहां जो सिस्टम डेवलप किए हैं, ट्रांसफार्मर में कितना मेगावाट पावर जा रहा है, बिल कितना आ रहा है, तो कहां जा रहा है, गंगा में जा रहा है क्या कि धरती में जा रहा है क्या। इसीलिए इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ये कड़ाई की गई है और एटीएमसी लॉस इसीलिए घटा है, अब 5 कंपनियों में बिहार आई है। इसलिए महोदय अब ये लोग तो चले गए, अब इन से निवेदन करना क्या है, कितना भी निवेदन कीजिए तो ये आदत सुधरेगी नहीं। इसलिए अंत में मैं महोदय निवेदन करना चाहूंगा सबसे कि इस बिल को पारित करने की कृपा करें, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब, ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।